थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई पहले तो शहबाज की, दूसरा मैंने ये पता नहीं कौन सी दुनिया का हेयर कट कटा लिया, और तीसरा दुख हो रहा है मुझे। मामा जा रहे हैं, मामा इज गोइंग टुडे एंड थोड़े से पर्सनल काम है मामा के। मामा कितने दिन के लिए जा रहे हैं पर आप? 7 to 8 days, और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि जल्दी आऊँ। हाँ, और आपके साथ फिर से बन जाऊँ। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों से क्या बात करूँ। आज थोड़ा सा जो मौसम है हमारे रूम का वो आज ठीक नहीं है। यूजुअली हम लोग बहुत खुश रहते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, पर ये जो बिछड़ना होता है ना, ये थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा इमोशनल कर देता है, क्योंकि वी स्टे टुगेदर, वी एंजॉय टुगेदर, बट व्हेन वी आर नॉट टुगेदर इट्स नॉट गुड, यू कैन अंडरस्टैंड। सो ऐसा है, मामा जा रहे हैं 7-8 दिन के लिए अपने गाँव। 7-8 दिन बाद होपफुली ही विल बी बैक, एंड तबीयत खराब हो गया उनका। बाकी आज की जो जर्नी है वो भी बहुत लंबी है। सो आज लगभग हमें 10 घंटे बाइक चलाना है अप्रोक्सीमेटली। गुवाहाटी जा रहे हैं आज हम लोग, अभी हम लोग जयगांव में हैं। मुझे ऑलमोस्ट 24 घंटे ट्रेन में जाना है। हाँ, मामा को तो 24 घंटे स्टेशन बदलनी पड़ेगी, मुझे 6 स्टेशन बदलनी पड़ेगी यहाँ से अपने गांव तक पहुँचने के लिए। तो मामा जा रहे हैं जयगांव से अपने गाँव, और हम लोग जा रहे हैं जयगांव से गुवाहाटी। तो हाँ, ये सारी बातें हैं, तो शुरू करते हैं फिर आज का, बट ऑन अ पॉजिटिव नोट। मामा दुखी नहीं रह सकते आप? नहीं, मैं फिर आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। जा रहे हैं तो जा रहे हैं, टेंशन लेने का नहीं। आ तो रहे हैं ना, इस बात की खुशी से जाएंगे अपन। अरे उतनी फोटो मेरे पास है, देख के संतुष्टि कर लूं। बिल्कुल। सो गाइस, दैट इज इट, नो प्रॉब्लम। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू सुपर रेडियो लॉग्स। नो प्रॉब्लम इज देयर, होप यू आर हैविंग अ गुड डे, यू आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। सो गाइस, ये बाइक निकालना पड़ेगा पहले हमें। बाबा जाते जाते जो है बाइक के साथ थोड़ा समय बता दीजिए आप, है ना? क्या चाल है तेरा, टमाटर जैसा गाल है, मैं तुझे बुला दूंगा लड़की, लेकिन मेरा माल है। हाय हाय हाय, वो सब क्या हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आज तो कैमरा पे, आज तो आ गए आप कैमरा पे आखिरकार। अरे आराम से बाबा, आराम से, आराम से। वाह वाह वाह, क्या बात है, एक नंबर। होटल गए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी मैं कैमरा ऑन करता था ना, चुप हो जाते थे। आज कैमरा में पकड़े गए, यार आज कैमरे में पकड़े गए। मजा आ गया इनकी शायरी में, है ना? बाकी गाइस, लोडिंग चल रहा है, आवाज बहुत है यहाँ पे, वहां से एवरीथिंग इज रेडी। नॉट एक्चुअली, रुको, टेक टू लेके। तो गाइस, एवरीथिंग इज रेडी, सारा सामान पैक हो चुका है, हम लोग निकल रहे हैं। मामा आपके साथ आ रहे हो? हाँ। तो मामा को एक्चुअली हम लोग रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर रहे हैं, हाशीमारा। हाशीमारा में रेलवे स्टेशन है जहाँ से मामा अपने रास्ते और हम रास्ते अपने। तो चलो मामा, तो मामा लास्ट राइड फॉर द नेक्स्ट 8 days, है ना? 8 दिन के बाद तो हम लोग मिल ही रहे हैं दोबारा। चलो Another journey begins, guys. ठीक है, आज थोड़ा सा मूड बनने में टाइम लगेगा। मामा जा रहे हैं, शहबाज जी की थोड़ी तबीयत खराब है, लंबी जर्नी है थोड़ा सा। अब तक हमने इतना लंबा बाइक नहीं चलाया इस ट्रिप पे, 8 to 10 hours टुडे इस ट्रिप पे अब तक। दिस विल बी द लॉन्गेस्ट राइड, अराउंड 370-380 kilometers। बिट्टू को छोड़ के जा रहा हूँ यार। है मामा, बिट्टू मत बोला करिए यार, कितनी बार बोला मैं आपको यार। मैं तो बोलूँगा भैया। अच्छा, और एक बात मामा, ये भी है ना कि हिमालय से नीचे आ गए ना हम लोग। अब थोड़ा इसका भी कम है, अभी वापस जाने में 1-2 दिन और लगेगा। अभी जो है पहाड़ों पे, भूटान ही आंखों में घूमेगी। हाँ भाई, भूटान को भी छोड़ के आ रहे हैं। तो ये सारी चीजों का थोड़ा सा जो है इमोशनल अटैचमेंट है, बाकी तो ठीक है। राइड तो है ही अपनी, बाइक तो है ही अपनी, रास्ते तो है ही अपने। आप लोग हैं हमारे साथ, सो या मोर थिंग्स टू बी हैप्पी अबाउट। अभी अपने आप को पॉजिटिव करना पड़ेगा ना मामा, धीरे धीरे, है कि नहीं? तो अभी जा रहे हैं मामा को छोड़ने हाशीमारा रेलवे स्टेशन, वहाँ से ट्रेन है घर की, सो ऑन द वे टू हाशीमारा, और वहाँ से फिर गुवाहाटी। वैसे हाशीमारा रास्ते में ही आता है, तो टेंशन नहीं है। और जयगांव से निकलते ही आपको मिलेंगे टी गार्डन्स। सो इतना भी बोरिंग नहीं होने वाला आज का रास्ता, ये आगे क्या है।
चेक पोस्ट है क्या? सो इतना भी बोरिंग नहीं होने वाला गाइस आज का रास्ता। एक्चुअली हिमालय से मैं नीचे आ गया ना, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि आज का रास्ता थोड़ा बोरिंग होने वाला है, बट वॉचिंग व्यूज लाइक दिस टी गार्डन्स। अच्छा आसाम के रास्ते में आ गया, ऐसे ही होगा पूरा। अच्छा मिलेंगे, नदियों की तो खजाना। अच्छा ब्रह्मपुत्र दिख जाएगा रास्ते में, बरपेटा दिखेगा। ओह अच्छा, मामा एक्चुअली हमारा आसाम पूरा घूमे हो तो मामा इज ऑल द आइडिया। आज का भी ट्रिप मीटर को जीरो कर दिया जाए। ओके सो ट्रिप भी इज जीरो नाउ टुडे अराउंड 370 किलोमीटर्स। इधर सही है। सो गाइस एट द हाशिमारा स्टेशन यही है मेन। लेना होगा पैसे मुनिया। 20 मिनट्स लेटर। नहीं यार वो आगे से है रोड उसका जो। दरोगा आ गया मामा। दरोगा आ गया, ये देखो दरोगे को। हर केस में लेट पहुंचता है ये, भी ट्रेन छूट जाती है आपकी। अच्छा हम चले कि हमको भी विदा करोगे? वो मामा हमको भी विदा होना है यार। बात सही कह रहे हैं, ठीक है मामा। चश्मा तो मोबाइल आप गले मिल के ऐसे क्या है ऐसे? और सुपर इंडियन स्क्वाड को भी बाय बोल दो आप। बाय सुपर इंडियन स्क्वाड, फिर मिलते हैं 8 दिन में, ठीक है मामा। बाय बाय बाय, हाथ दो। बाय मामा, हाथ दो, फिर मिलेंगे मामा, फिर मिलेंगे। अबे चल चल जल्दी चल चलो बाबा बाय। सो हाशिमारा से निकल चुके हैं टुवर्ड्स गुवाहाटी। रास्ता थोड़ा लंबा है आज। स्लोली एंड स्टेडली गेटिंग इनटू पॉजिटिव मूड। ओ भूटानीज यार, ये तो गलत बात है यार। भूटान में तो कोई नहीं बाहर सुसु करता है, यहाँ पे आके बाहर सुसु करेंगे। सो गाइस मामा जा चुके हैं, अब मैं अकेला हूँ बाइक पे। आई एम अलोन, आप हो मेरे साथ। आई एम नॉट अलोन, यू आर विथ मी, यस द सुपर इंडियन स्क्वाड। सो साथ में चलते हैं गुवाहाटी। रास्ता तो खूबसूरत है। भूटान से है अभी हम लोग, मुंबई से। हाँ मुंबई से। हाँ मुंबई चले फुल टैंक। अरे हाँ फुल टैंक। गुवाहाटी 292। Munaji, what will you eat? I have chosen chicken butter lemon fried rice. Okay. हम लोग आए यहाँ पे खाने आसाम में घुसते ही। बोंगाई गाँव एक जगह है वहाँ पे आए। सो यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी, ब्रॉयलर और देसी दो तरह के अलग अलग चिकन है, तो ये क्या होता है जरा आप बताएं। ब्रॉयलर मतलब वाइट, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज दैट। ब्रॉयलर और देसी, ब्रॉयलर मतलब वाइट वाला मुर्गा। वाइट वाला मुर्गा, वाइट मुर्गा क्या होता है? चिकन के दुकान पे आप जाओगे ना, हाँ। रहता है व्हाइट वाला मुर्गा, जो अंग्रेजी मुर्गा रहता है। अंग्रेजी मुर्गा रहता है। अच्छा वाले मुर्गे देसी होते हैं। कलर वाले मुर्गे देसी होते हैं। हाँ, तो ये देसी मतलब कलर वाला मुर्गा रहेगा, ब्रॉयलर मतलब व्हाइट वाला मुर्गा। ये कैसा लॉजिक? ये मेरा लॉजिक है। मुनिया जी क्या कहना है आपके इस बारे में? सही है, एकदम सही है जो बोले, इतना जिस कॉन्फिडेंस से बोले ना, सब सही है।